के अंदर बढ़ता हुआ कोरोना और जम्मू के अंदर कोरोना के बढ़ते हुए कदम, ये बार बार इंगित करने का प्रयास करना चाहते हैं कि कोरोना की दुहाई बार बार लोगों के अंदर आने का प्रयास कर रही है। इसलिए कोरोना ज़्यादा ना फैले, एक हफ्ते के 8 दिन 7 दिन स्कूल खुलते हैं, लेकिन स्कूलों के खोलने पर पुनर्विचार करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे संक्रमिता बढ़ रही है, जैसे बच्चों के अंदर ये कोरोना ज़्यादा फैल रहा है, ये डरने का विषय नहीं है, लेकिन इससे बचने का विषय है। और तब बच सकते हैं जब सरकार स्कूलों के विषय के अंदर पुनर्विचार करने का प्रयास करे और लोगों को मास्क ज़्यादा पहन पाएँ, लोग इससे बच पाएँ। इससे जो जो लोगों को असूलियात या व्यवस्थाएं करनी है उसके विषय के अंदर लोग ज़्यादा विचार कर पाएँ, फिर पहला समय आने की कांक्षा ना बन पाए, फिर लोग ज़्यादा संक्रमित ना हो पाए, फिर कोरोना अपने ज़्यादा पैर ना पसार पाए। इसके लिए माननीय उपराज्यपाल महोदय से कहने का प्रयास करना चाहता हूँ, जिस तरह से कोरोना के रेट महाराष्ट्र के अंदर बढ़ गए, दिल्ली के अंदर बढ़ गए, अब बढ़ते हुए कदम जम्मू की तरफ भी इशारा करने का प्रयास करना चाहते हैं। डरने की बात नहीं है, लेकिन बचने की बात है। ये जाता जाता कोरोना सांप हमको डस ना पाए, हम बच पाए, बच्चे इसके अंदर ना आ जाएं, इसके विषय के अंदर हमको विचार करने का प्रयास करना होगा। और मैं खास करके एजुकेशन विभाग और एडवाइज़र एजुकेशन से कहने का प्रयास करना चाहता हूँ कि ये बड़ी मुश्किल आन पड़ गई है, आप पुनर्विचार करिए स्कूलों के विषय के अंदर, क्या स्कूल खुलने चाहिए नहीं खुलने चाहिए, अगर खुलने चाहिए तो किस समय खुलने चाहिए, ज़्यादा बच्चों की टेस्टिंग करें, ज़्यादा बच्चों के विषय के अंदर विचार करें, क्योंकि जितने हमने टेस्ट कर रहे पाए उसमें से कोई ना कोई ऐसे सिग्नल मिलने का अंदेशा हो गया है। इसलिए मांग करना चाहता हूँ कि इसके विषय के अंदर विचार किया जाए और कोरोना से ज़्यादा बातें आगे ये कोरोना नहीं फैले, इसके लिए स्कूलों को पुनर्विचार करना चाहिए, इनको क्या करना है क्या नहीं करना है, ताकि ये संक्रमता ज़्यादा ना बढ़ पाए और लोगों को ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए।